नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इंडस्ट्री में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आप कह सकते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी की, गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी की, जो अगर आपको बताऊँ तो पिछले काफ़ी समय से एक बड़े दबाव के दौर से गुजर रही है। बल्कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो पिछले एक साल में 38% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और कुछ न्यूज़ निकल के आई जो स्टॉक के लिए थोड़ी सी निगेटिव रही, लेकिन अब जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले हैं, शायद आप कह सकते हैं वो बहुत बहुत शानदार होंगे। शायद इस बार के क्वार्टर फोर के बाद एक बड़ी राहत निवेशकों को मिलते हुए दिखाई देगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या है पूरा मामला, स्टॉक पे निवेशक हैं, निवेश सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पर मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छा लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, क्या दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगभग 2.25% की यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। कितनी? 2.25% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं आपसे चर्चा करूँ यहाँ पे कि भाई पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक कितना गया है, तो देखिए पिछले एक साल में देखेंगे ना तो इस स्टॉक ने 38% से भी ज़्यादा के निगेटिव रिटर्न अपने कस्टमर्स को दिए। कितने? 38% की ज़्यादा की कह सकते हैं गिरावट कस्टमर को दी। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, ये आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें कि ऐसी क्या खबर है जिसके कारण पॉजिटिविटी की बातें चल रही हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये रहा ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज क्वार्टर फोर रिजल्ट्स प्रीव्यू। ICICI सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट नज़ारा रेवेन्यू टू ग्रो 64.1% ईयर ऑन ईयर। ICICI सिक्योरिटी ये मानती है कि नज़ारा जो रेवेन्यू है वो लगभग 64% बढ़ने वाला है ईयर ऑन ईयर। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, डाउनसाइड 8.7%, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी बढ़ोतरी है, ठीक है। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर थ्री अर्निंग में ब्रॉडली इन लाइन विद द सेगमेंट मैनेजमेंट फुल ईयर गाइडेंस। और अच्छी चीज़ ये है, जो ये आप कह सकते हैं तेजी दिखा रहा है, ये दोस्तों फुल ईयर गाइडेंस के बराबर आ रही है। यानी जो आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना ईयर ऑन ईयर, ये कंपनी जो गाइडेंस दी थी कि हम इतना धंधा करेंगे, वो उसमें फुलफिल कर रही है। एंड दिस विल बी अ लीड बाय सस्टेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ई स्पोर्ट्स 97% ईयर ऑन ईयर, और गेम फील्ड अर्ली लर्निंग 22% ईयर ऑन ईयर एंड एड टेक सेगमेंट, ठीक है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो धंधा कहाँ से आता है, वो ई स्पोर्ट्स से, और वो बहुत अच्छा कमाने वाला है। लगभग 97 जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ई स्पोर्ट्स से आने वाली है दोस्तों, जो ये आपको 64% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है, उसके पीछे का रीज़न है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ई स्पोर्ट में और गेम फंड और रीजन में। नज़ारा का जो एबिट्टा मार्जिन दोस्तों, ये डिक्लाइन करने दिखाई देगा 5.2% मार्च क्वार्टर में, जो कि एक हिस्टोरिकली वीक मार्जिन रहेगा दोस्तों फॉर द क्वार्टर, ठीक है, जो कि 9.7% था दिसंबर में। और ये जो ओवरऑल एबिट्टा रहेगा, ये फ्लैटिश रहेगा ईयर ऑन ईयर। और इसी चीज़ को दोस्तों प्राइजिंग करने के लिए जो आप फॉल देख रहे हैं ना पूरे के पूरे स्टॉक पे, वो इसीलिए हो रहा है। और एक चीज़ अच्छी है कि ये जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है, ये ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो जाएगी जो मार्जिन में गिरावट है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, मुझे ये लगता है कि अगर गिरावट होती है तो एक अच्छा मौका हो सकता है खरीदारी का। तो यदि आपको ये छोटी सी अनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।